अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये है हमारे पास HD रिसीवर चाइना का। ये देखें, बाकी रिसीवर ऑन है, चल भी रहा है सही, इसकी पिक्चर भी ओके है, लेकिन इसका साउंड नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं वॉल्यूम इसका फुल है। ऑडियो वीडियो केबल भी हमने चेक किए, देखें लगी हुई हैं सारी। ये देखें, ये दोनों लगी हुई हैं केबल, और ये LCD के पीछे भी देख सकते हैं केबलें लगी हुई हैं, लेकिन साउंड नहीं आ रहा इसका रिसीवर का। तो अभी हम दूसरा रिसीवर लगा के चेक करते हैं केबलों पे, क्या ऑडियो वीडियो केबल ठीक है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो केबल ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो रिसीवर हमने खोल लिया है, और LCD की जो आवाज़ हम फुल कर लेते हैं पहले, तो भी चेक करते हैं इसकी आवाज़ फुल करके आपको चेक करता हूँ मैं अभी। ये देखें वॉल्यूम मैंने अभी इसका फुल कर लिया है LCD का। तो एक तार जो है हम लगाएंगे वो ऑडियो वीडियो के इसके अंदर, वीडियो के अंदर लगा देंगे इसके, और एक जो केबल है वो उतार लेंगे ऑडियो वीडियो की, और अंदर टच करके देखें। इन कैपेसिटरों पे आवाज़ आनी चाहिए, जो कैपेसिटर लगे हैं दो यहाँ पे, इनमें से किसी के कैपेसिटर से लगाएंगे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर से जो लाइन निकलती है और कनेक्ट होती है जाके ऑडियो वीडियो केबल के साथ, एक कनेक्टर के साथ वही केबल है। तो हम बारी बारी टच करके देखते हैं इन कैपेसिटरों पर, जहाँ पे आवाज़ आएगी हम वहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही है, और यहाँ से हम जम्पर उठा के जो इसके कनेक्टर हैं लगे हुए यहाँ से ऑडियो के, वहाँ पे जम्पर लगा देंगे, और जो इसकी आवाज़ है वो वापस बहाल हो जाएगी। तो ये हमने जम्पर लगा लिया है, देख सकते हैं एक कैपेसिटर के सिरे से कनेक्शन हमने उठाया है इसका, ये जम्पर वायर लगाई है हमने, और ये ऑडियो जैक पे लगा दिए यहाँ, जो ऑडियो वीडियो की पिने थी, और आवाज़ इसकी आनी शुरू हो गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नए फॉल्ट के साथ।